Dear audience, here comes the most awaited moment. We are going to listen to the Teacher's Day lecture by our chief guest, Professor Santosh Panda sir, Chairperson NCT. As you all are aware, today's topic is higher education, teachers, professional skill, professional ethics and quality. May I request our chief speaker to please come over here and deliver his speech. Professor Santosh Panda sir, guftagu ho to samaat ka maza aata hai, rubaru ho to basarat ka maza aata hai, phool jhadte hain kabhi aur shole lapakte hain kabhi, uski baaton mein khitabat ka maza aata hai. Assalamu alaikum, good morning. Professor Faja Mohammed Said Saab, Vice Chancellor, Maulana Azad National Urdu University. Professor Rahmatullah Saab, Registrar. Our friend Professor Iqbal Ahmed Saab. Our senior friend Professor Ramesh Ghanta Saab. Professor Khatija Begum, Dean, Faculty of Education. Professor Siddiqui Mahmood, Head, Department of Education. Distinguished faculty and my dear students. Manu ke saath hamara kuch khas mohabbat ho gaya hai. जब पठान साहब वाइस चांसलर थे मैं खूब आया करता था और किसी ढंग से और किसी रूप से और किसी ताल्लुकात से और जब प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ रहे वो तो हमारा शागिर्द है उनके साथ आपके सामने आए और अभी लगता है कुछ ज़्यादा बढ़ गया प्रोफेसर ख्वाजा साहिद साहब के साथ फिर भी हाजिर हुए और आपकी मोहब्बत ऐसे जाहिर हो तो हम फिर भी आते रहेंगे मुझे बहुत खुशी है कि जो शिक्षा के दायरे की फाउंडेशन जो शिक्षक है उसके लिए हम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से के तरफ से कुछ करने के लिए कोशिश की और किया भी इस विश्वविद्यालय का शिक्षक शिक्षा की जो एक्सपांशन हुई है तो उसमें मैं समझता हूँ एनसीटी ऑफ लेट काफ़ी हद तक और प्रोफेसर रमेश घंटा और प्रोफेसर खस्तीजा बेगम मैडम ने काफ़ी साथ दिया और पांच जगह शिक्षक शिक्षा की स्थापना हुई है और हम चाहते हैं और मेरी कोशिश रही है और आपको अंदाज़ा नहीं प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ साहब के साथ हमने काम किया कितनी जल्दी और कितनी बारीकी से बारीकी इसलिए है कि कहीं गुंजाइश ना रह जाए कि कल को कोई अंगूठे उठा सके जैसे एनसीटी जिस ढंग से काम करता है उसी ढंग से बकायदा मनु के साथ भी काम किया और पांच जगह शिक्षक शिक्षा को स्थापित किया कल को कोई अंगूठा उठा नहीं सकता है बकायदा नज़र मिला सकता है नज़र से नज़र मिलाते हुए मिला सकता है ऐसा हमने काम किया है इसलिए सराहना इस बात की है कि ये जो उर्दू मीडियम की हमारी कोशिश है कि ये उर्दू मीडियम की मैंने तो सुबह सुबह जिक्र कर रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो डिस्टेंस लर्निंग है उसमें लगभग जो मद्रासा से आते हैं प्लस टू में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है और वो पढ़े भी
और जब आगे आए प्लस टू में सबसे ज़्यादा 75-80% डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट अलीगढ़ की प्लस टू की, उसके आगे उनको पढ़ने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तो है लेकिन टीचर एजुकेशन में इस बारी थोड़ी कमज़ोर रही है हमारी तरफ से, उसको हम आगे पूरा करेंगे। उसी तरह मनु के जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे खास करके शिक्षक शिक्षा में, उसके भी आगे कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो इस वक्त हमारे 2014 की रेगुलेशन से थोड़ी सी हट गई, उसकी कोशिश रहेगी हम इसको आगे उस ढंग से रखें। मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत 2-4 मिनट बाद में चर्चा करूंगा। हमारे रेगुलेशन के बारे में ज़्यादा आपको कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि सारे टीचर एजुकेशन से नहीं है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक जो है जो शिक्षक शिक्षा में भी खूब काम में लगेगा आगे, और हमारी कोशिश इसी दायरे में आगे चल पड़ेगी। अब व्यवस्था लगभग फाउंडेशन रखी गई है तो उससे आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स, अगर आज शिक्षक शिक्षा की कुछ हद तक कहने में हर्ज नहीं है, बुरी हालत है, वो इसी के कारण है हमारी प्रोफेशनल एथिक्स थोड़ी कमज़ोर हो गई है। प्रोफेशनल एथिक्स को थोड़ी सी हम कैसे बढ़ाएं, चाहे उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, कोई भी शिक्षा हो, शिक्षा बुनियादी हमारी होनी चाहिए। आज के तारीख में जो वेस्टर्न मॉडल हमारे सामने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी में तमाम रिसर्च हुआ है उसको हम पढ़े ना, उसको हम ज़रूर पढ़ें, लेकिन बुनियाद इसी पर है जहाँ हम खड़े हैं। ये हमारी धरती है, भारत हमारा धरती है, हम सब भारतवासी हैं, यहाँ जो सारे बैठे हैं हम भारतवासी हैं, तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारी धरती हमारी कल्चर के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ें, और उसमें हमारा बढ़ावा है और उसमें हमारी पहचान है, और कल विदेश में अगर हम अपने आप को साबित करते हैं, अगर ये मजबूत ना हो, वो साबित करना कल को काफ़ी हद तक नामुमकिन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर चाइना आज की तारीख में पूरी विदेश में जिस तरह छाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो अपना कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है और कल्चर को कभी भूला ही नहीं, बल्कि विदेश में अपनी कल्चर को मजबूत किया। अगर ऐसा हो जो है उसको हम और थोड़ा सा बढ़ावा दें, और मैं समझता हूँ जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी तरह मनु उर्दू मीडियम चाहे हो, हर सब्जेक्ट की शिक्षा है, मीडियम उर्दू है, और उसी बुनियादी के साथ अगर हम चल पड़ें, उसी बुनियादी शिक्षा अगर हमारे साथ जुड़े रहें, जिसको मैं प्रोफेशनल एथिक्स या खास करके वैल्यूज़ की, इंडियन वैल्यूज़ की बात करूंगा आज थोड़ी बहुत। मेरी थोड़ी सी कमज़ोरी है क्योंकि हम लोगों के पास समय मिलता नहीं है, यहाँ मैं खाली दिमाग खड़ा नहीं हूँ, 10 चीज़ें और भी चल रहा, फिर भी जितना समय मिला मैं थोड़ी बहुत कल रात को पावर पॉइंट बनाया, तो इसलिए मैंने कहा प्रोफेसर रमेश घंटा जी से गुजारिश किया तो भी सुबह थोड़ा लेट मिलूंगा, लेकिन somehow पावर पॉइंट नहीं हो पाया। मैं कोशिश करूंगा आपको 40-45 मिनट का आपके सामने ऐसे चीज़ रखूं ताकि थोड़ी बहुत उसमें बात हो जाए। 5 तारीख को हम लोग शामिल नहीं हो पाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, लेकिन बर्थडे पर जिसको टीचर्स डे माना जाता है, लेकिन आज ही सही, लेकिन मैं थोड़ी बहुत आपसे गुफ्तगू करूँगा कि प्रोफेशनल एथिक्स और वैल्यूज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन हमारे सामने किस रूप में किस ढंग से थोड़ी बहुत पेश होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जिक्र करूँगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जिक्र करूँगा, और आगे जो चीज़ें बढ़ रही हैं उनको आखिरी आपके सामने रखूँगा कि ये चीज़ें किस ढंग से होनी चाहिए, और ख़ास करके हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक मनु, उसके पास काफ़ी ताकत है कि इन चीज़ों को अपने आप में किसी के दायरे में न आते हुए इस चीज़ को बढ़ावा देने में पूरी
ताकत रखता है, इरादा है मुझे लगता है, और इस चीज़ को आगे बढ़नी चाहिए, उसके बारे में दो चार बात मैं करूँगा। बात थोड़ी सी गंभीर है, मसला इतना आसान नहीं है। आप प्रोफेशनल एथिक्स वैल्यूज़ की बात करेंगे, बात इतनी आसान नहीं है, थोड़ी सी गंभीर है। एयर कंडीशन चालू है, पसीने थोड़ी बहुत आ रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही आगे बढ़ेगी अगर आप मेरे साथ देंगे। जो बात मैं आपके सामने रखूँगा, मामला गंभीर है, थोड़ी सी मैं प्रोफेशनली इसको डील करने के लिए कोशिश करूँगा सरल भाषा में। चीज़ें बहुत मुश्किल है, निभाना हमको है, तो इसलिए साथ देना बहुत ज़रूरी है। और साथ देने के साथ साथ अगर थोड़े बहुत मैं आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आने के बाद उसको निभा पाएं सबसे अच्छी बात है। अपनी अपनी तरीके से ढंग से हम समझें, कोई मॉडल किसी भी तरह हो, तरीके हमारी होनी चाहिए और मेरी होनी चाहिए। एक एडवर्टाइजमेंट आता है, थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, मेरी होनी चाहिए। सभी अपनी अपनी तरीके की नज़रिया से ये दुनिया को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और सभी अपने अपने तरीके से उसको निभाते हैं, यही सत्य है। इवन ट्विन्स आर नॉट द सेम। इसलिए इस सत्य को मानते हुए हम आगे चल पड़े। कल को कोई भी सवाल उठता है, कोई भी तर्क होता है, सब तर्क जायज़ है, क्योंकि सभी अपने ढंग से देखने के लिए कोशिश करते हैं और करनी चाहिए, और वही हो वही सच है। देयरफॉर जो बात मैं रखूँगा, आप अपने अपने तरीके से उसको लीजिएगा और उस अपने तरीके से अमल करिए और उसको निभाइए। ऐसी कोई बात नहीं, तर्क चलते रहनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए। तर्क ही जीवन है, अगर तर्क को हम आगे ना रखें तो जीवन की फिर कोई मायने नहीं रहता। मैं इसमें चार पांच मुद्दे पर बात करूंगा। प्रोफेशन, टीचिंग, एजुकेशन, इन तीनों में ताल्लुकात क्या है? हम शिक्षक, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तमाम प्रोफेशन और टीचिंग एज ए प्रोफेशन, हम एक प्रोफेशन में हैं, टीचिंग करते हैं, हम एजुकेटेड हैं। प्रोफेशन, ट्रेनिंग या टीचिंग और एजुकेशन में ताल्लुकात क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स की इसमें रोल क्या है? प्रोफेशनलाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से टीचिंग एज ए प्रोफेशन कहाँ खड़ा है? आखिरी टीचिंग प्रोफेशन है कि नहीं, सोचने की बात है। और खास करके टीचर एजुकेशन में जो हम बात करते हैं, टीचर एजुकेशन टुडे इन 2014 रेगुलेशन एज ए फाउंडेशन, टीचर एजुकेशन टुडे इज कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन। देयरफॉर टीचर एजुकेशन टुडे हैज़ प्रोसीडेड टू हैव ए न्यू रेगुलेशन बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्स्ट्रक्ट दैट टीचर एजुकेशन टुडे इज ए फुल प्रोफेशन। क्या हम फुल प्रोफेशन हैं, उसकी बात करूँगा। एथिक्स को पढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर दो चार बात करूँगा मिनट। क्या एथिक्स को पढ़ाया जा सकता है? एथिक्स को सीखा कैसे जा सकता है? छोटे छोटे मुद्दे आपके सामने रखूँगा, मैं कोई यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ मुद्दे आपके सामने रखूँगा। आपकी अपनी जहन में जिस ढंग से आप उसको, जिस रूप से आप उसको नाप के आगे बढ़ाते हैं, जिसको इंटरनलाइज करते हैं,
वही सही। आखिरी में दो तीन बातें रखूंगा कि हम लोगों जब करिकुलम फ्रेमवर्क बनाते हैं बुनियादी अपनी डिसिप्लिन की नॉलेज बेस के फाउंडेशन के ऊपर जब करिकुलम और सिलेबस टीचिंग लर्निंग असेसमेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उसी वक्त एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, आखिरी जो निकल के आता है जो कल को टीचर बनेगा, क्योंकि आज की मेरी मुद्दा टीचर की है, टीचर नॉट नेसेसरली एजुकेशन टीचर, टीचर इन एनी डिसिप्लिन, वो जो टीचर निकल के आएगा मैं ये सामने रखना चाहता हूँ जब तक हमारी एग्जिस्टिंग टीचर्स जितने हैं उनकी कॉम्पिटेंसी हम मैप नहीं करेंगे किस मुद्दे पर हम किस फाउंडेशन पर आज की करिकुलम हम बनाते हैं, टीचिंग टीचिंग इन हायर एजुकेशन टीचिंग इन टीचर एजुकेशन। आगे बात करूँगा देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू डिवेलप ए टीचर एजुकेशन नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क बनने की ज़रूरत है जिस दिशा पर हम काम शुरू किया है। और आखिरी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मुद्दे आपके सामने रखूंगा। देयरफॉर फ्रेंड्स पहली प्रश्न, प्रोफेशन है क्या, व्हाट इज ए प्रोफेशन। दूसरी प्रश्न, इज टीचिंग ए फुल प्रोफेशन। तीसरा प्रश्न, हाउ डज एजुकेशन विद इन कोट, हाउ डज एजुकेशन stand in the midst of any discourse on profession। शिक्षा जिसको हम कहते हैं, अगर टीचिंग एक प्रोफेशन है इसमें शिक्षा का क्या मायने रखता है। मैं दो हाल ही का जो काम है आपके सामने में रखना चाहता हूँ। एक अल्बर्टा टीचर्स एसोसिएशन 2012 में छपाया, किसको हम प्रोफेशन कह सकते हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अंग्रेजी में है, समझने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। कल जो मैं यहाँ पहुँचा पहली बार सुना कि यूनिवर्सिटी तो उर्दू मीडियम की हैं और सारे ना बल्कि अंग्रेजी समझते हैं, सारे ये भी चाहते हैं उर्दू के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी साथ साथ चले। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए अगर हम अपनी भाषा में थोड़े बहुत कमी टर्मिनोलॉजी की समझने में मुश्किल हो तो वहाँ हम अंग्रेजी हिंदी संस्कृत कुछ भी हो इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो इसी तरीके से हो। मैं एक मिसाल के तौर पर कह देता हूँ, वो तरीके आप समझ जाएंगे। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हूँ, जब हम लोगों ने 1987 में शुरू किया था तो उसी वक्त चला कि हम लोग 18 भाषा में इसको जो भी बनाएंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे, जब तक ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ नहीं बने थे, सिर्फ एक आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी जो आज की तारीख में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कहलाता है। तो उसी वक्त जब हम लोग ट्रांसलेट करते थे तो बाद में समझ में आया कि साहब ये ट्रांसलेशन काम नहीं देगा, जिसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिएशन, उसके एक दो सेंटेंस बात आपके सामने रखता हूँ। जब ये बात हुई कि जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको लोहे की गोली की खाने की ज़रूरत है, दैट द प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ आयरन पिल्स, उसकी ट्रांसलेशन हुई लोहे की गोली। शिकायत ये आई, तभी समझ में आया, शिकायत ये आई कुछ महिलाएं ये जो साइकिल में लोहे की गोली ये तमाम चीज़ें होती है दो चार खा लिए, उन्होंने कहा कुछ फायदा हुआ नहीं बल्कि नुकसान हो गया। तब समझ में आया कि साहब ये जो आयरन पील ट्रांसलेट हुआ लोहे की गोली, वहाँ ब्रैकेट में आयरन पील लिखना जरूरी था। इसी मायने में मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, जब हम अपनी भाषा को पूरी तरह जहन से रखते हुए समझते हुए जब हम पढ़ते हैं दूसरे को साथ रखना जरूरी है, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। उसी मायने में देयरफॉर अल्बर्टा टीचर्स एसोसिएशन की चंद बातें आपके सामने रखता हूँ, इसके बाद मैं बाद में लाऊंगा
वकील की एग्जांपल से लॉयर एज ए प्रोफेसर बाद में मैं इसमें जोड़ने के लिए कोशिश करूंगा दैट दिस मस्ट हैव ए ग्रेटर सोशल पर्पस थ्री वी मस्ट हैव प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कोऑपरेशन हम सभी की अपनी अपनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं लेकिन टीचिंग एज ए प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन नहीं है हमारे टीचर एजुकेशन में है और हमारा प्रेसिडेंट प्रोफेसर रमेश गंदा सामने बैठे हैं बट पूरी हायर एजुकेशन की टीचिंग एज ए प्रोफेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन हम लोगों की प्रोफेशनल एसोसिएशन टीचिंग एज ए प्रोफेशन हमारी साइंस की है फिजिक्स की है माइक्रोबायोलॉजी की है उर्दू की है सब की बट टीचिंग एज ए प्रोफेशन उसकी है कि नहीं चौथा देयर शुड बी ए रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डिवेलपमेंट दो चीज़ आपके सामने रखता हूँ सोचिएगा और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को इसमें रिफॉर्म करने की सख्त ज़रूरत है जिसको टीचर्स एसोसिएशन नॉट प्रोफेशनल एसोसिएशन हर यूनिवर्सिटी की टीचर्स एसोसिएशन है जिसको टीचर्स एसोसिएशन काफ़ी हद तक रेसिस्ट करते हैं समझ में नहीं आता क्यों रिक्वायरमेंट ऑफ ए फॉर्मल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डिवेलपमेंट PhD करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं प्रोवाइडेड एज ऑन टुडे यू क्लियर नेट PhD भी जरूरत नहीं है यू क्लियर नेट टुडे PhD इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन टुडे टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर बट यू मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ विथ नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐसा ही है ना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं फिर भी PhD कुड बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बिकम ए टीचर एक रिसर्च डिग्री शिक्षक बनने में मदद करे एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता शिक्षक बनने के लिए शिक्षा की या टीचिंग मेथोडोलॉजी की कोई ट्रेनिंग हो दैट देयर मस्ट बी ए सर्टिफिकेशन इन टीचिंग टू बिकम ए टीचर नॉट PhD सोचने वाली बात है देयरफॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मे सून ब्रिंग ए नेशनल प्रोग्राम व्हिच वुड ऑन टीचिंग certification which will be an essential qualification tomorrow to become a teacher in colleges and universities lekin aisa nahi hai number 2 there must be a provision of continuing professional development academic staff colleges abhi human resource development centers banenge jab ye correspondence education distance learning mein transform hue the professor mohammadia sahab जामिया में बनाए यहाँ बनाए बात अलग है उसको उस नज़रिया से मत देखिएगा लेकिन जब करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन डिस्टेंस में बने थे उन्होंने सिर्फ इतना किया 100-200 रुपया 500 रुपया लगाए और अपने साइन बोर्ड जो एंट्रेंस में है उसको चेंज कर दिए सेंटर फॉर डायरेक्टरेट ऑफ करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज को चेंज कर दिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग साइन बोर्ड चेंज हो गया बिल्डिंग के अंदर तमाम सब कार्रवाई बराबर है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस टुडे फेसेस द सेम पोजीशन सिचुएशन एज ऑन टुडे देयरफॉर देयर इज अ नीड टू सीरियसली रिफॉर्म सॉरी सर मैं स्टाफ कॉलेज की यहाँ भी स्टाफ कॉलेज है मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ दैट देयर इज अ सीरियस नीड टू रिफॉर्म the academic staff college and therefore it is not surprising that under this Pandit Madan Mohan Malviya national mission for teachers and teaching now professional development centers teaching learning centers and innovation centers I hope that MANUU also gets a center for progressive reforms in teaching learning a national center for teaching learning which should be beneficial to all disciplines and all teaching community rather than education aur usme education ka kuch nahi hai this must be a center established within
the university, anywhere, any discipline, it could be established as a separate center, and all disciplines would contribute towards that. Agar aisi baat hai, sochiyega ki hamari higher education hai ki nahi hai. Five, certain degree of autonomy by the professional. Ye jo autonomy accountability ki debate hai, is autonomy defined in the university teaching charter? जब अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, आजकल चीफ मिनिस्टर है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जब बात करते हैं कि साहब हमारे पास सिटीजन चार्टर होनी चाहिए, हम टीचर एजुकेशन में बात करना शुरू किया दैट देयर मस्ट बी ए स्टूडेंट चार्टर, देयर मस्ट बी ए ग्रेजुएट चार्टर, कि आपको कहना जरूरी है अगर आप ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और डिग्री मिलने के बाद उसको क्या मिलेगा और डिग्री मिलने के दौरान उसको क्या 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 आप प्रोवाइड करेंगे. अगर ये चार्टर आप नहीं रखेंगे वो प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं माना जाएगा. देयर मस्ट बी चार्टर व्हिच मस्ट बी ट्रांसपेरेंट व्हिच मस्ट बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. अगर ऐसा है तो उसको फिर आप प्रोफेशन मान सकते हैं और जिसमें प्रोफेशनल ऑटोनॉमी की जिक्र हो. That professional autonomy किस हद तक, कहाँ तक और किस रूप में professional autonomy हो, अगर ऐसा हो तभी उसको हम मान सकते हैं जिसका पालन करें. Finally, professional influence on standards, licensing, professional development, performance standards and professional discipline. ये तमाम चीज़ें हैं बट पहली चीज़ नहीं है. There is no professional influence on all these because we do not have a teaching association to have an influence on the profession. If there is an anthropology association, it has influence on anthropology as a discipline, but not teaching anthropology as a discipline. It doesn't have any influence because it cannot articulate that way, that how this would be influencing, what exactly would be there to influence teaching learning in that profession. We are talking about teaching learning in that profession, not that profession per se, certainly not the discipline. But teaching learning in that profession. इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अमल करिए. क्या हमारी टीचिंग एक प्रोफेशन है आपके ऊपर छोड़ता हूँ. उसके साथ साथ प्रोफेशनल सेल्फ गवर्नेंस, अगर प्रोफेशनल एसोसिएशन हो तो वो प्रोफेशनल सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए कुछ सामने रखे और उसमें मजबूर भी करे जो मेंबर्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन. सेल्फ गवर्नेंस कुछ डिफाइंड नहीं है. स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन भी डिफाइंड नहीं है. सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटेंस. एंड फाइनली आई विल कम टू द लास्ट पॉइंट टूवर्ड्स दैन कॉम्पिटेंस, दैट टीचिंग कॉम्पिटेंसी. मैं पुरानी माइक्रो टीचिंग ये तमाम इसकी बात नहीं करूँगा. हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं. शिक्षक शिक्षा, टीचिंग एज ए प्रोफेशन इन हायर एजुकेशन. देयरफॉर द कॉम्पिटेंसी अक्रॉस डिसिप्लिन्स, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, उसको डिफाइन करना और उसमें सेल्फ गवर्नेंस होना ये जरूरी है. दूसरा आपके सामने पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा, मज़ा आए शायद अगर इसमें आप थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं. कोई मैकबेथ थे 2012 में, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन किया. 12 चीज़ें हमारे सामने उन्होंने रखा. हमारे सामने वो 12 चीज़ें रखा, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. थोड़ा सा सोचिएगा कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन उसमें साबित होता है कि नहीं. थियोरेटिकल नॉलेज एंड कॉन्कमिटेंट स्किल्स डिफाइंड नहीं है. हम लोग कोशिश किए हैं, टीचर एजुकेशन में एक अलग बात है, लेकिन टीचिंग एज ए प्रोफेशन ऐसा नहीं है. High quality pre-service academic and professional preparation almost absent in teaching as a profession. Legal recognition and professional closure, ये हम लोगों का है. उन्होंने कहा है विदेश में इन चीज़ों को शामिल करते हुए international study में, but हमारे teacher education में है. Teacher education में legal recognition है. Fortunately, our 2014 regulation is nothing but the outcome of the direction of the Honorable Supreme Court of India. Therefore, isme legality to hai hi hai. In fact, everything is legal.
ek mauka mila that everything is legal. Otherwise, legal recognition and professional closure. Hum logon ka teacher education mein professional closure ki koi gunjayish nahi thi. Hum logon ne pehli baar introduce kiya, the first time that we can close a teacher education institution. Kal ko agar, misal ke tor par, aise mat sochiyega, kal ko agar MANUU ki education department mein teacher education jo programs hain, agar wo sahi nahi chal rahi hai, kal ko NCT usko close kar sakta hai. Piche nahi tha, abhi hai. Hum logon ne introduce kiya. So closure as a clause we have introduced. Number four, induction to be a full member of professional body. Number five, professional association nahi hai. Number six, work autonomy, workload itna hai, autonomy ki baat mat kariyega. Saat, code of professional conduct or ethics. Iski agar kahin university code of professional ethics banwata hai, teacher association usi bakat, agla din tak nahi, usi bakat jhanda leke khade hote hain ki sahab ye professional ethics ki code of conduct nahi chalegi. Lekin ek baar agar code of conduct aap tay karte hain dono taraf se baith ke, jo common dono taraf manyata ho, dono taraf fayda hi fayda hai, ye hum karte nahi hai. Self regulation, public service, ya jisko kehte hain altruism, autonomy and legitimacy, inaccessible and indeterminacy body of knowledge, finally mobility as individuals through standardization. Pradhanmantri ji jo baat karte hain ki sab hamare desh se shikshak videsh mein jana chahiye. Last point uski hai, not as an organization, teaching as a profession, as an organization, as an individual must be fully competent through a process of standardization ki kal ko wo kisi desh mein ja sake, koi bhi international standard ke sath wo shamil ho sake. Is tarah ka humne kiya hai kya, in cheezon ko dekhne ki zarurat hai. So friends, what I'm simply, this is just an introduction, what I'm simply trying to say is, now it is time to seriously reflect on vis-a-vis our own teaching ki kal ko nationally, internationally hum competent ho. Agar aisa ho, teaching as a profession, iske bare mein amal karna jaruri hai. Teaching as a profession across any discipline. Do koi vyakti the, Ingersoll aur Parda, bahut badhiya kaam hai inki. Inhone kaha ji, saat important indicator hai, usko bhi amal kariyega. Main aapke samne pad deta. Ek, credential. हम लोग टीचर एजुकेशन में अभी सोच रहे हैं कि जैसे लीगल प्रोफेशन लॉ में कोई लॉ एमबी क्या कहते हैं जी एलएलबी एलएलबी प्लस टू के बाद पाँच साल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अगर पढ़ा, पढ़ने के बाद वो जब ख़त्म हो जाए, टू गेट इनटू अ टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट हैव अ क्रेडेंशियल. उसको एक आई कार्ड मिल जाएगा, कहीं भी डालेगा, उसको लॉ में रोक नहीं सकते. हम टीचिंग प्रोफेशन में सोचते हैं, काम शुरू कर दिया है कि कोई भी टीचर एजुकेटर कल से निकलते हैं, बिफोर गेटिंग इनटू प्रोफेशन, एंड द एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेटर्स विल बी प्रोवाइडेड विथ अ क्रेडेंशियल. उसकी आई कार्ड, यूआईडी नंबर होता है, आपके पास आधार नंबर है, ये नंबर है, वो नंबर है, तो एक नंबर टीचर एजुकेशन में भी चला जाएगा जो टीचर एजुकेटर्स हैं, और जो टीचर बनेंगे उनके लिए भी. लेकिन उनके लिए क्रेडेंशियल हमने तैयार कर दिया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास करते हैं उनके पास पास सर्टिफिकेट इज द क्रेडेंशियल टू बिकम ए टीचर, बट टीचर एजुकेटर के लिए नहीं है. कल को हम उनको आई कार्ड प्रोवाइड करेंगे, उनकी आई कार्ड, तमाम क्रेडेंशियल्स इंक्लूडिंग उनकी आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये तमाम चीज़ें वेबसाइट में हमारी रहेगी, डाटाबेस में, नॉट फॉर पब्लिक डोमेन बट फॉर यू एंड वी. इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, बट देन टीचर एजुकेटर्स मूविंग अराउंड इंस्टीट्यूशंस एंड पॉल्यूटिंग द होल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एज सच इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, सर्टनली वी आर ट्राइंग टू डू दैट. एंड टुमारो टू बिकम अ टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी डिसिप्लिन, वी मस्ट हैव क्रेडेंशियल. क्रेडेंशियल की हमारी बात हो ही नहीं रही है. Number two, induction to teaching as a profession, almost absent. हम लोगों ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में ये तय किया, जो भी टीचर, टीचिंग, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
इन तीनों में जो इग्नू में ज्वाइन करेंगे हेडक्वार्टर या रीजनल सेंटर, उनको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन कंप्लीट करना जरूरी है। जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे उनकी प्रोवेशन ख़त्म नहीं होगा, और कंप्लीट करने के साथ साथ उनको एक इंक्रीमेंट इन द सैलरी मिल जाएगा। ये हम लोगों ने तय किया, आज तक चल रहा है। अगर हम लोग कर सकते हैं हायर एजुकेशन में, क्यों नहीं पूरी एजुकेशन में, उसके एक इंडक्शन हो जाए, फुल या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसको करना पड़ेगा कंपल्सरी, और एक इंक्रीमेंट मिले। प्रोफेशनल डेवलपमेंट 4, स्पेशलाइजेशन 5, अथॉरिटी 6, कॉम्पेंसेशन 7, प्रेस्टीज। बात ना करें तो अच्छी बात है, कॉम्पेंसेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, प्रेस्टीज अपना अपना है। प्रेस्टीज को एक साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया जाए, द टीचिंग एज ए प्रोफेशन entails this prestige, कहावत तो ये है और जो सच है। जर्मनी में एक कहावत है, डोंट क्वेश्चन ए प्रोफेसर, जर्मनी में, इसलिए देश बड़ा है, हमारी भी इज्जत है टीचर को हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जर्मनी में ये एक बाय कन्वेंशन, डोंट क्वेश्चन ए प्रोफेसर। एक प्रोफेसर को क्वेश्चन मत करिए, क्वेश्चन एनीबॉडी, खुदा से भी लड़ जाइए, प्रोफेसर से मत लड़िए। क्यों? मिसाल के तौर पर देखिए, एक आपको उदाहरण देता हूं, हमारे एक इंडियन साथी हैं, जर्मन विजिट किए थे जर्मनी, किसी प्रोफेसर के साथ चलते गए तो प्रोफेसर रेड लाइट तोड़ के चले गए, सडनली वायलेट किया, रेड लाइट तोड़ के चले गए, जो ट्रैफिक लाइट वाला सैल्यूट किया प्रोफेसर को, इन्होंने तोड़े हैं ट्रैफिक कांस्टेबल, तो उनको सैल्यूट किया। थोड़ी देर जाने के बाद प्रोफेसर करता है, व्हाई डिड दिस पर्सन सैल्यूट मी, डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया क्या? इंडियन प्रोफेसर ने कहा, भाई साहब आपने गलत ही गलत किया, आपने रेड लाइट तोड़ के आगे। ओह आई सी, प्रोफेसर को तब समझ में आता है कि वो रेड लाइट तोड़ के आ गए। लेकिन इंडियन प्रोफेसर ने पूछा कि भाई साहब ये बताइए, आपने तोड़ने के बावजूद भी ट्रैफिक लाइट वाला तो हमारा दूसरी बार दिल्ली में, एक बार पकड़े गए, दूसरी बार लाइसेंस गया, तीसरी बार की सवाल ही नहीं है, आपको सैल्यूट क्यों किया? जर्मन प्रोफेसर सेज, माय फ्रेंड इन जर्मनी, डोंट क्वेश्चन ए प्रोफेसर। इन्होंने लाइट तोड़ के गया फिर भी वो सैल्यूट किया, इसलिए कि प्रोफेसर कुछ तो सोच के तोड़ा होगा। आप बताइए, आप बताइए क्या करेंगे, मतलब डोंट क्वेश्चन ए प्रोफेसर। अगर वो तोड़ा भी है, उसने सोचा कुछ तो प्रोफेसर होगा, तोड़ा तोड़ के गया है, कल को कोई फायदा होगा, प्रोफेसर कुछ रिसर्च कर रहा होगा, कुछ साइंटिफिक, कुछ समथिंग। जर्मनी, डोंट क्वेश्चन ए प्रोफेसर। क्या हम उस तरह के प्रोफेशन की क्रेडेंशियल को हम साबित कर सकते हैं कि प्रोफेसर इज ऑलवेज राइट? क्या हम क्रेडेंशियल अपने आप को कह सकते हैं दैट आई एम राइट? बिकॉज वी आर कमिंग टू द टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स। अगर हम में प्रोफेशनल एथिक्स स्ट्रांग हो, यस आई एम राइट, देयरफॉर इवन इफ आई कमिट अ मिस्टेक द पर्सन विल सैल्यूट मी, दैट डोंट क्वेश्चन ए प्रोफेसर। अगर ये तमाम चीज़ों को देखें, मेरी आर्गुमेंट है, आप इसको फिर भी और अमल करिएगा, टीचिंग डजंट स्टैंड आउट टू बी ए फुल प्रोफेशन। हम लोग जिस टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग डजंट स्टैंड आउट टू बी ए फुल प्रोफेशन। टीचिंग कुड स्टिल बी कंसिडर्ड एज ए सेमी प्रोफेशन, इट्स नॉट ए फुल प्रोफेशन। अगर ऐसी बात है, थोड़ा आगे चले, इजाज़त हो थोड़ी सी आगे चलेंगे, मामला गंभीर है, थोड़ी सी आगे चलेंगे, फिर भी देखेंगे कि सचमुच टीचिंग एक सेमी प्रोफेशन है या एक प्रोफेशन फुल प्रोफेशन है। टीचर्स क्या करते हैं? दे ऑर्गेनाइज देयर टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को जुटाते हैं, बढ़िया तरीके से उसको पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं,
तर्क वितर्क करवाते हैं, स्टूडेंट से काम करवाते हैं, टू डू एक्टिविटीज स्टूडेंट से करवाते हैं, तमाम चीज़ों को फिर फाइनली उनको एक क्रेडेंशियल पर छोड़ते हैं कि आप असेसमेंट है, आप इसमें पास करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगा, जो डिग्री एक क्रेडेंशियल कहता है कि आप अभी कंपिटेंट हैं जिस मामले में आप करते हैं। देयरफो इससे साबित होता है कि टीचर्स डू पॉजेस प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे बच्चे आगे निकलते हुए फिर आगे साइंटिस्ट, लॉयर, टीचर ऐसे बनते कैसे? दैट सिंपली टेल्स अस दैट टीचर्स इन हायर एजुकेशन डू पॉजेस प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। खाली नॉलेज नहीं, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग एज ए प्रोफेशन। देयरफॉर अभी बात ये अगर आगे बढ़ जाए, अगर टीचिंग एक सेमी प्रोफेशन है, क्या क्वालिटीज चाहिए टू बिकम ए गुड टीचर? जो टीचर पढ़ाएं उसके साथ साथ तमाम एक्टिविटीज करें, ये मत कहिएगा कि आज की तारीख में जो स्कूल टीचर हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, उनकी नॉन टीचिंग वर्कलोड इज मच मोर देन टीचिंग वर्कलोड। तो वहां कैसे आप आर्गू करेंगे दैट टीचिंग इज ए प्रोफेशन? सरकार से गुजारिश हमेशा ये रहा है कि साहब इनकी नॉन टीचिंग वर्कलोड को रिड्यूस करें, इलेक्शन ड्यूटी से शुरू करके तमाम चीज़ें उसको आप ख़त्म करें ताकि वो टीचिंग एज ए प्रोफेशन उसको जस्टिफाई कर सके। हायर एजुकेशन में भी ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत कम है, जो स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा है। देयर टीचर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर टीचर अपने एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट। लेकिन एक रिफ्लेक्टिव और एक्टिविस्ट टीचर बनने के लिए दो चीजें, रिफ्लेक्टिव टीचर, जो टीचर हमेशा हर चीज जो करता है या करती है उस पर गौर करें, सोचे नहीं। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। थिंकिंग सोचना, रिफ्लेक्शन गौर करना, ऐसा ही है ना? क्या कहेंगे रिफ्लेक्शन को? उर्दू ऐसा एक शब्द है जिसका कहीं दूसरा है ही नहीं, गौर करना। आकाशी मुस्ताफिर हैं, एक जने आवाज करके मुखातिर आकाशी। चलिए सो गौर करना हम छोड़ देते हैं, हम अभी आकाशी करेंगे। मतलब उसके बारे में सोचना नहीं, आकाशी करना, टू रिफ्लेक्ट, जो किया उसके ऊपर, करने से पहले, करने के बाद। ये एक प्रोसेस है, टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको एज अ रिफ्लेक्टिव एंड एन एक्टिविस्ट टीचर, एक्टिविज्म झंडे वाला नहीं, एन एक्टिविस्ट टीचर हु इज ऑलवेज प्रोएक्टिव टू टीचिंग लर्निंग एज ए प्रोसेस, कि बच्चों को क्या दिक्कत होगा, कैसे समझेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे मैं पढ़ाऊँ, कहीं ऐसा ना हो, कैसे वैसा ना हो, कल को मेरे ऊपर मजाक कर दें, कुछ ये हो, तमाम चीज़ें टीचर जूझते हैं। चार चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सीरियसली। द टीचर ए रिफ्लेक्टिव एन एक्टिविस्ट टीचर हैज टू बी ए पेडागॉग। पेडागॉग का मतलब ए मास्टर इन थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। हमारे हायर एजुकेशन में ट्रेनिंग नहीं है, हम अपने ढंग से पढ़ाते हैं, सभी अपने ढंग से पढ़ाते हैं और सोचते हैं हमने अच्छा किया, अगर ट्रेनिंग होता शायद बेहतर करते। ए पेडागॉग एन एक्सपर्ट इन थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टू ए प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हैं
जब हम रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल बने। शिक्षा का मकसद बच्चों को, ग्रेजुएट को रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल बनाना। आप सोचिएगा, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप क्रिटिकल नहीं बन रहे हैं, आप रिफ्लेक्टिव नहीं बन रहे हैं, फिर कर क्या रहे हैं। अगर आप रिफ्लेक्टिव नहीं, अपनी तरीके से, कोई दो तरीके बराबर नहीं है, ये हमने पहले कहे हैं, अपनी तरीके से रिफ्लेक्टिव बनना, आकाशी करना और क्रिटिकल को उर्दू में क्या कहेंगे, तनकीद। शाबाश। एक आकाशिक और तनकीद, रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल बनना। अपनी अपनी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत गौर करिएगा कि आप रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल बन रहे हैं, ये स्किल्स आप में डेवलप हो रही है। अगर हो रही है, यू आर इन राइट डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन और क्रिटिकलिज्म, क्रिटिकलिटी ये आपकी है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। आप अपने तरीके से उसको करिएगा, जैसे सोचें वैसे करिएगा, लेकिन उसमें कुछ तो दायरा होगा उस ढंग से अगर आप करें। नंबर थ्री, टीचर्स हैव टू बी रिसर्चर्स एंड चेंज एजेंट्स। अब कहते हैं साहब, ये वर्कलोड, अभी यूजीसी ने कहा 8 घंटे रहेंगे, अभी 5 घंटे रहेंगे, 40 घंटे क्लासरूम में पढ़ाएंगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसमें एक चीज़ साफ है, हमने बहुत सालों से कोशिश किया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। सो व्हेन वी हैव ए नेशनल क्रेडिट सिस्टम, व्हाई कांट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और आज की तारीख में वो सच है दैट देर इज अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसमें तय है, उसको बारीकी से पढ़िएगा, उसमें तय है अगर मुझे 40 घंटा पढ़ाना है, 40 घंटा लेक्चर नहीं देना है, हो सकता है इसमें 20 घंटे में बच्चों से करवाऊं, थोड़ी सी रेस्ट लूं। मास्टर जी को रेस्ट कब मिलेगा बताइए? मास्टर जी को रेस्ट नहीं मिलता। बक 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 करके, आपको पता है ये बोलने में एनर्जी कितने खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। इसमें मौन रहना जरूरी है, लेकिन मास्टर जी मौन रह नहीं सकते। आप बताइए, अगर वो नहीं भी पढ़ाएंगे, मास्टर जी खुद ही मौन रह नहीं सकते। देयरफॉर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मास्टर जी का पढ़ाने का मीन्स लेक्चरिंग का वर्कलोड कम किया, मास्टर जी को मजबूर किया कि थोड़ा मौन रहना सीखिए। इस पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इस पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने खाएं और वो दिखाई दें, ऐसे ताकत बन जाए, नहीं। इस पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, देयरफॉर देयर शुड बी चेंज एजेंट्स। कि अपने रिसर्च करें, छोटी छोटी चीज़ें क्लासरूम में रिसर्च करें, तभी हमारी टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी बढ़ेगी। आप कहेंगे जी मैं बहुत बढ़िया टीचर हूँ, लेकिन रिसर्च नहीं करते, रिसर्च डिसिप्लिन में नहीं, रिसर्च पढ़ने और पढ़ाने में, सेल्फ लर्निंग एंड टीचिंग एंड फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, तीन चीज़ें। अपनी सेल्फ लर्निंग, मैं समझता हूँ सभी थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, किस ढंग से, इस ढंग से, उस ढंग से, कुछ भी हो। दूसरा टू टीच, एंड तीसरा टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट से काम करवाना। और स्टूडेंट्स में खास करके आपके लिए कहूँ, जब तक आप काम नहीं करेंगे, टीचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपकी पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। बल्कि आप कहिए, मास्टर जी आप इस बक बक थोड़ा सा कम करिए, हमसे काम करवाइए। अगर ऐसा हो, आप ही के फायदा है, आप ही अच्छे स्टूडेंट हैं, और जिस टीचर ये करवाएंगे वो अच्छी टीचर है। सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। टीचिंग लर्निंग इज अ सिंपल बिजनेस। एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो बहुत सेल बढ़ गया उसका, कीप इट सिंपल स्टूपिड। कौन सा एडवर्टाइजमेंट है?
सोच अरे टेलीविज़न आप सब टेलीविज़न देखते हैं आजकल मोबाइल में आपके हैंडसेट में दिखाई देगा क्या क्या और चीज़ दिखाई देती है ये नहीं दिखाई दे रहा है कीप इट सिंपल स्टूपिड उसी से कीप इट सिंपल स्टूपिड स्टूपिड इज यूज इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस एज एन इफेक्टिव सेलिंग प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी कीप इट सिंपल स्टूपिड उससे इतनी बढ़ गई उसकी सेल मैं उसकी तरफ सराहना नहीं कर रहा हूँ मैं उसको एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ कहने का मतलब है कीप इट सिंपल टीचिंग लर्निंग इज अ सिंपल बिजनेस कीप इट सिंपल आप इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना इफेक्टिवनेस बढ़ेगी प्रॉब्लम हमारे पास ये है हम सभी ऊंचा सोचते हैं सिंपल सोच नहीं पाते प्रॉब्लम ये है क्यों जिस किताब से हम पढ़े हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें और दिमाग में बड़ी लेवल पर चला गया हमारे पास ताकत नहीं है हम अपनी आप में उसके सरलता के लेवल पर ले आए ये ताकत हम में कम होता है बिलीव मी हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है अगर मैं समझा हूँ अगर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल पूछे मैं एग्जाम्पल दे दूँ दूसरी पूछे भी दे सकता हूँ तीसरी में मार खा गया इसका मतलब एज ए टीचर मैं समझा नहीं हूं सिंपल कीप इट सिंपल फाइनली क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज आज की तारीख में उसको कहते हैं पेटेंटिंग कुछ भी नया इनोवेशन होता है उसको पेटेंट करना जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा पेटेंट करता है उसका वजन ज़्यादा बढ़ता है उसको एक दूसरा दर्जा दे दिया गया पेटेंटिंग हालांकि बात वो नहीं है मैं थोड़ा सा आगे चल पड़ूं समय बहुत कम है मुझे जो बात कहना है अभी उस बात पर आ रहा हूं ये तो पहलू है मुझे जो बात चंद बातें कहना है उसको मैं आर्गू करना है उसके ये बात पर आ रहा हूं और 10 मिनट मुझे दीजिएगा अगर क्वालिटी की बात करें क्वालिटी की कई डेफिनेशन है प्रोफेशन टीचिंग एज ए प्रोफेशन अगर उसको क्वालिटी के साथ जोड़ेंगे तो क्या बात होगी और आखिरी में आऊँगा जो शुरुआत किया था प्रोफेशन टीचिंग एजुकेशन एंड देयरफॉर प्रोफेशनल एथिक्स उस पर मुझे 3-4 बातें कहनी है अगला 10 मिनट में अगर टीचिंग इज ए प्रोफेशन उसमें क्वालिटी की बात करें तो उसमें एक सिस्टमेटिक सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए क्या हमारे टीचिंग लर्निंग में कहीं गुंजाइश है कि हम सिस्टमेटिकली सेल्फ इवैल्यूएट अपने आप को करें सिस्टम में मैं तो मेरी पूरी अधिकार है अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करूंगा बट टीचिंग एज ए प्रोफेशन प्रोफेशन में सेल्फ इवैल्यूएशन की कहीं गुंजाइश ही दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ये बात उठी कि साहब हम सेमिस्टर सिस्टम करेंगे इंटरनल असेसमेंट करेंगे ग्रेडिंग करेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट बाद में आया 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बाद में आया जो ख़त्म हो गया 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बाद में आया ख़त्म हो गया और एक बात ज़रूर आई थी दैट द स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटिंग टीचर्स एंड टीचर्स प्रमोशन विल डिपेंड ऑन इवैल्यूएशन बाय देयर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स जब ये बात आई टीचर्स एसोसिएशन खूब धमाका किया खूब लड़ाई किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजेस के सामने धरना दिया तमाम चीज़ें अखबार में छपी तमाम चीज़ हुई आखिरी देखे कोई बात बन नहीं रही है यूजीसी ने अपना गेट बंद कर दिया गेट के ऊपर भी उन्होंने चिपका दिए कई चीज़ चलती गई आखिरी उन्होंने सोचा अभी अदालत की दरवाज़ा खटखटाना जरूरी है जब अदालत की दरवाज़ा खटखटाए अदालत ने साफ ये वर्डिक्ट दिया स्टूडेंट्स की पूरी हक बनता है कि अपने शिक्षक को इवैल्यूएट करें और शिक्षक का कल की प्रमोशन स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन के ऊपर बिसाइड्स अदर फैक्टर्स बेस होना चाहिए तभी दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन बहुत मायने रखता है आज की तारीख में टीचर्स की प्रमोशन में देयरफॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं असिस्टेंट टू एसोसिएट एसोसिएट के साहब दो दो रिफ्रेशर दो दो क्या कहते हैं जी ओरिएंटेशन प्रोग्राम रिफ्रेशर हो गया एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कितनी बार गए ये हुआ वो हुआ कई सर्टिफिकेट नहीं स्टूडेंट्स रेटिंग ऑफ द टीचर दूसरों ने प्रोफेसर को कहा यार तो घबराया क्यों लगता है
स्टूडेंट्स इवैल्यूएट करेंगे, उनके स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं, सॉरी हैं, स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। अपना नोट दिया करो, डिक्टेट कर दो, जो सवाल क्वेश्चन पेपर में आएगा इम्तिहान में उसको पहले से बता दो। और थोड़ा सा जब मार्किंग करते हो उसी वक्त थोड़ी सी लिबरल हो जाओ, थोड़ी सी सुबह सुबह कॉफ़ी पी के आराम से पेपर चेक करो, पेज गिनते हुए नंबर दो। अगर ऐसा होगा तो वो स्टूडेंट्स आपको 10 में से 10 भी दे सकते हैं, 9 की गुंजाइश नहीं, 10 में से 10 देंगे। तुम घबराते काहे को हो, घबराते काहे को हो। स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, कुछ भी चीज़ें आता है हम उसको अपने ढंग से उसको पेश करते हैं कि साहब देयर इज स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग 10 में से 10। और जो प्रोफेसर मेहनत करके पढ़ाए वो गया, उसको पता चला कोई 5 में लटक रहा है, कोई 5.5 में, कोई 6 तक गया, अब बताइए। देयरफॉर वी बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नीड टू बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। हम लोगों की समझ बड़ी उस लेवल पर होनी चाहिए। देयरफॉर वी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल द टाइम नीड टू हैव सम ओरिएंटेशन टुगेदर। टीचर्स और स्टूडेंट्स साथ बैठ के ओरिएंटेशन हो प्रोफेशनली कि साहब किसका मतलब किस ढंग से इसको रखा जाए, ताकि अक्रॉस द बोर्ड दिस बिकम्स वेरी क्लियर। स्टूडेंट बॉडी एंड टीचर्स बॉडी दे हैव नेवर बीन फेस टू फेस, उनकी रूबरू कभी हुई नहीं। अगर ये हों चीज़ें मसला काफ़ी क्लियर है। हम NCT में सर पूरी कोशिश में हैं। मैंने कहा ये 1,000, 1,200, 1,500 केस किस लिए है, पैसा हमारा भी जाता है, पैसा लाला जी की भी जाता है। अगर ऐसी बात है इसके लिए क्या किया जाए? वी आर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर कि जिसमें सारे वकील जोड़ जाए। पता चला एक वकील दूसरे वकील से बात नहीं करते, तीसरे में चेयरपर्सन की कंटेम्प्ट कोर्ट में पेशी हो जाता है। मैं जो पेशी दौड़ भाग करता रहता हूँ, मैंने कहा कम से कम मेरी दौड़ भाग कम हो जाए, इसको भी तो देखने के लिए ज़रूरत है। फाइनली वी हैव कम टू ए पॉइंट कि हम लोक अदालत शुरू करेंगे जिसमें से लगभग 50% केस हमारे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो रूबरू होने की हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। टीचिंग एज ए प्रोफेशन, क्या हम टीचर्स में वो हिम्मत और वो ताकत है? अगर है, हम रूबरू होने के लिए तैयार है। वी आर रेडी टू डू दैट एंड वी विल इफ इट इज सो। 4-5 बातें आपके सामने रखता हूँ सो फार प्रोफेशनल एथिक्स इज कंसर्न। अगले 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। पहला, मैं पहले से आपको बता दूं मेरे पास कितनी पॉइंट है, 6 पॉइंट है आपके सामने रखूंगा। 6 पॉइंट जो मुझे कहना था, ये अब तक जितना कहा दूसरों से लेके मैंने कहा, अभी जो मैं अपना कहना चाहता हूं, दिस इज व्हाट रिसर्च आई डिड एंड आई प्रेजेंटेड टू यू नाउ ए फ्यू पॉइंट्स इन ऑर्डर सो फॉर आई वुड लाइक टू से विज़िवी NCTE एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। पहला, प्रोफेशन, टीचिंग और एजुकेशन, इनके बीच में प्रोफेशनल एथिक्स का क्या ताल्लुकात है? इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोफेशन, इन टीचिंग अ टीचर एज ए प्रोफेशनल नीड्स टू हैव प्रोफेशनल एथिक्स because to be a good lawyer you need not be a good person. In fact, the lawyers work against altruism and social service. If lawyers tomorrow would like to do social service, law is a profession will get extinct. Gambhirta se sochiyega, teaching usme shamil nahi hai. That to become, I repeat, that to become a good lawyer, you need not be a good person. But to become a good teacher, you need to be a good person. ये जरूरी है। इसीलिए एक मैं उदाहरण देता हूं, 4-year undergraduate program दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों फेल हुआ।
मेरे बेटे भी उसके साथ पढ़ा, उनके एक साल गए, दो सेमेस्टर. फाउंडेशन कोर्सेस, लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. ये बात कहने में बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. टू लर्न सोशल एंड लाइफ स्किल्स, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो यहां प्रेजेंट है, अगर हर एक को एक मेडिकल लिटरेसी के नाम पर छोटी छोटी यूनानी मेडिसिन की अगर जानकारी हो तो लाइफ में कितना फायदा है, सोचने वाली बात है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोशल एंड लाइफ स्किल्स. क्या हम हर एक को, हम टीचर एजुकेशन में कोशिश किया, चार तरह के स्किल्स हमने कंपलसरी कर दिया एक झटके में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर चल रहा था, हमने कर दिया. एक ICT, आज की तारीख में कोई मास्टर जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कहने का मतलब मोबाइल एंड वेबसाइट नहीं है, गलतफहमी है. प्रोफेसर केएल कुमार IIT दिल्ली में हुआ करते थे, आजकल भी है, अफ्रीका में कंसल्टेंसी बहुत बड़े हो गए हैं IIT दिल्ली में. वो कहते हैं हाउ टू टीच थ्रू द एग्जाम्पल और बाय द यूज ऑफ ए मैच बॉक्स. मैच बॉक्स, मैच बॉक माचिस, माचिस के थ्रू कई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाते थे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. दिल्ली विश्वविद्यालय में देयरफॉर हम लोगों ने ICT को कंपलसरी कराया, दूसरा योगा एजुकेशन को कंपलसरी कराया. सारा देश योगा कर रहा है, यहां भी वहां भी. तीसरा जेंडर स्टडीज, चौथा डिसेबिलिटी या इंक्लूसिव एजुकेशन. ये चार चीजों को हमने कंपलसरी शामिल किया. प्रोफेशनल एथिक्स एंड सोशल एंड लाइफ स्किल्स को नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे कुछ साथी उस पर राजी नहीं हुए. प्रोफेशनल एथिक्स एंड सोशल एंड लाइफ स्किल्स. दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर सोशल एंड लाइफ स्किल्स के कारण 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फेल हुआ, उसके मुख्य कारण यह है दैट द सोशल एंड लाइफ स्किल्स वेयर टू बी लर्न्ड बाय लिविंग थ्रू. उसी में उसको आप जीते हुए सीखेंगे. हुआ क्या, मास्टर जी प्रोफेशनल क्या वो सोशल एंड लाइफ स्किल के ऊपर बहुत बढ़िया भाषण दिए, लेक्चर ऑन सोशल एंड लाइफ स्किल्स. जिसको जीते हुए मेरे को सीखना है, उसको मैं लेक्चर से क्या सीखूंगा. बच्चों ने कहा मास्टर जी आजकल ओपन एजुकेशन रिसोर्स का जमाना है, खूब मिलता है, आपसे बेहतर मिलता है, देयरफॉर मुझे परसेंटेज दे दोगे. मास्टर जी ने कहा दे देंगे. उन्होंने कहा सी यू बाय द वे वी मे क्रॉस, एक दूसरे को वी मे क्रॉस बाय इन द कॉफी हाउस. दैट्स प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड. मास्टर जी ने कहा क्लासरूम में जो कोई है नहीं, मैं भी कॉफी हाउस चलता हूं. कॉफी हाउस में दोनों मिले, क्लासरूम में नहीं. द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फेल्ड. देयरफॉर there is a need that we need to consider that while we as teachers we cannot, like the profession of law, that we to become a good teacher we need to be a good person. Uska matlab kya hai, sabhi kahenge hum acche insaan hain, uske matlab kya hai, matlab in terms of teaching or teaching as a profession, or in terms of teaching and learning, that we need to teach by living through. If I cannot practice, I have no right to preach. Sochiyega, main lalka raha hu, especially to teacher education. That if we, I cannot practice myself, I forfeit my right to preach and therefore to teach. अगर ऐसा, ये मेरी पहली मुद्दा है.
that in any profession you can afford not to be a good person, but in teaching you cannot but be a good person. You cannot distinguish between a good person and a good teacher. Dusri baat, maza aa raha hai? Kal ko aap logon ne kitne teacher banoge? Maza aa gaya yaar, mujhe bhi topi pehna do. Hai Professor Muhammad Mia ko maine yahi kaha tha jab 1996 mein mujhe wo professor select kar rahe the Jamia mein, phir bhi nahi kiye. Bole Mia hona zaruri hai. Maine kaha sir aap kam lagte ho, main zyada lagta hu, bataiye. Kal ko agar shikshak banna hai, that we have a responsibility to be a good person, meaning thereby that we must practice whatever we want to teach or preach. Point number two. Professional ethics. Aapke samne 2 minute aur rakhunga. Professional ethics. क्या पढ़ाया जा सकता है? Should professional ethics and values be part of the curriculum for everyone who would like to become a teacher in higher education and school education? मेरी submission ये है, professional ethics सबकी बस की बात नहीं है. Values को आप शामिल कर सकते हैं, but professional ethics is a content of person who specializes in ethics. Therefore, मेरे argument सुनिएगा. Therefore, एक तरफ आप professional ethics पढ़ा के किसको professional ethics सिखा नहीं सकते, थोड़ी बहुत कर सकते हैं. दूसरी तरफ professional ethics को सिखाने के लिए हर teacher सिखा सकता है, ऐसी बात नहीं है. We need a specialist in professional ethics to teach. Number three, even if you do that, still adhura rahega unless you reform the entire within quote education to be more value oriented. अगर आप पूरी education को शिक्षा को आप value oriented नहीं करेंगे, professional ethics सिखा के आप professional ethics जता नहीं सकते. ये मेरी दूसरी बात आपको कहना है. Therefore, we need to reform our curriculum. तीसरी बात, there is a need for cross dialogue or value across professional dialogue. Value across profession. Teaching as a profession, law as a profession, engineering as a profession, and so on and so forth. आज की तारीख में टीचिंग एंड रेस्ट ऑफ द प्रोफेशन के बीच में कोई डायलॉग नहीं है. हालांकि वही टीचर कल को इंजीनियर बनाता है, कल को वही शिक्षक बनाता है, वही डॉक्टर बनाता है, वही वकील बनाता है. देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ क्रॉस प्रोफेशन डायलॉग फॉर टीचिंग टू एस्टैब्लिश एज अ प्रोफेशन. तीसरी बात, NCTE और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. हम लोगों ने ये तमाम को सोचते हुए कई ऐसे लाए हैं कि आप कॉम्पोजिट इंस्टीट्यूशन होंगे, मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी होंगे, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना जरूरी है, 4 सेमेस्टर बीएड में 1 सेमेस्टर फुल इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में ये सब प्रोफेशनल एथिक्स, वर्क बेस्ड लर्निंग ये सब आना जरूरी है, विच वी आर वर्किंग आउट कि इंटर्नशिप होगा कैसे, क्योंकि इंटर्नशिप 3rd सेमेस्टर में आएगा. Therefore, how this will be done to bring into the fore, into the discourse of teaching as a profession. In this case, teacher education. In this case, teacher education. Usko kaise laya jaye? Hum logon ki koshish hai. Choice-based credit system is a reformative measure of University Grants Commission. Abhi thoda sa halka lag raha hai choice-based credit system. जब इस पर हम शामिल हो जाएंगे, उसको निभाएंगे, ये जो तमाम चीज़ें मैंने कहा और इससे और भी गंभीर चीज़ें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के थ्रू आ जाएगा कि हायर एजुकेशन को आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म करेगा. एंड देयरफॉर
teaching as a profession in higher education isko reform karne ki gunjayish hai balki kafi taakat rakhta hai choice based credit system. Friends, therefore my submission is that if we have to take seriously teaching as a profession, it is essential that those who are engaged in teaching as a profession, teachers, we need to talk to them, we need to map their competency and therefore bring in curriculum reforms based on that, rather than articulation or reflection or argumentation ya chintan of a few professionals called experts sitting in four walls of the closed room. Iski jarurat hai. Therefore, in teacher education, we are submitting that we will proceed to do a national mapping of teacher education competencies. Isko hum khatam karenge. If it is so, if today the entire higher education, including MANUU, has to necessarily consider national skill qualifications framework. Waqif hain aap? And Google mein dal do. Aajkal Google it. Kuch nahi hota. Kehta chai piyo ji, idhar Google karo ji. Google karo. Anything. National qualification skills, national skills qualification framework. The National Vocational Education Qualification Framework, aaj ke tarikh mein, National Skills Qualification Framework. Uske tehet sara napa ja raha hai. Agar aisa hai, UGC is seriously thinking to bring National Higher Education Qualifications Framework. Aayega ji? Usme bhi chadar chadhayenge. Therefore, in teacher education, we are proposing and we will that National Teacher Education Qualifications Framework. Usi ke tehet credential tayar ho, aur jisko mile, usko I card mile, identity number mile, aur fakar se keh sake, I am a teacher educator. Agar aisa ho, we need, finally I'm submitting, we need a robust continuing professional development regime, not through academic staff colleges, but through many mechanisms, including professional dialogues, guptagu, roundtables, conference and seminars, where open dialogue should be there. Open dialogue should be there. Agar aisa ho, we need a robust regime of continuing professional development, which needs to be redefined beyond what is called academic staff college. Main bahut shukr guzarta hu aap log mujhe mauka diye aur bahut der tak aapke ye kehne ka matlab hai jaldi isko yahan se hat jao aapka kehne ka matlab yahi hai lekin dosto I'm extremely grateful to the honorable vice chancellor and to the organizing committee to have invited me to this very august platform to be with you and to share some of the thoughts and to ask for your collaboration. Aap logon ke saath chahiye agar in cheezon ko hum aage badhane ke liye koshish karenge. Mujhe puri umeed hai jaise hum aapke saath hain aap hamare saath denge. Bahut bahut shukriya. Khuda hafiz.